चटनी हमारे भारत देश में पारंपरिक तौर से बड़े शौक से खाई जाती है। तो लीजिए, आज हम लेकर आए हैं कोकम खजूर की चटनी, जो मेरी खुद की फेवरेट है और मेरी माँ की रेसिपी है। हमने सूखे कोकम और सूखे लाल मिर्च को लिया है, खजूर, लहसुन और ज़ीरे के साथ में सिरका यानी कि वाइट विनेगर। अब दोस्तों, सूखा कोकम और सूखी मिर्च को हम भिगाते हैं पहले सिरके के साथ। इसको भिगोने के बाद हम पीसेंगे इसको खजूर, जिसके बीज निकले हुए हैं, ज़ीरा, लहसुन के साथ। अब कोकम के जितने गुण हम कम बताएं, उतने ही ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि इसके बारे में जानना, इसकी औषधि शक्ति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कोकम में है हाइड्रोक्सीसिट्रिक एसिड, जो चर्बी को घटाता है। इसमें है गार्सिनॉल, एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, जो बहुत सारे इंफ्लेमेटरी बीमारियों को रोकता है। ये रोग प्रतिकार शक्ति को भी बढ़ाता है। हमने इसमें लिया है खजूर। खजूर में है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम। अब इसके साथ में सिरका या विनेगर, जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड, वो पाचन क्रिया के लिए बेहतरीन चीज़ है। ज़ीरा, लहसुन के मिलने से ये बहुत सारी और बीमारी, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, आपकी सूखी लाल मिर्च में भी अल्कलॉइड्स हैं, कैप्सिसिन्स हैं, जो गुणकारी है। मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने पाचन क्रिया को इन चीज़ों के साथ, अपने डाइजेशन और जैसे न्यूट्रिशन का जो एक होता है एसिमिलेशन, उसको बढ़ा सकें, तो इन चटनियों को हम रोज़मर्रा में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लो सोडियम, लो पोटेशियम वाली और लो फॉस्फोरस वाली ये चटनी किडनी डिजीज़, ब्लड प्रेशर वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी चटनी बन सकती है। तो हमारे साथ में जुड़िए हर हफ्ते नई रेसिपीज़ और जानकारी के साथ।